जाओगे तुम भी। दीदी हैं, इनके साथ घूमने आए हुए हैं। मैं पहले के नहीं आई हुई, दीदी आए हुए हैं, तो इनके साथ हम घूमने आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही हरा भरा सा एकदम जंगल वाली फील आ रही है। यहाँ हम बैठे हैं बटरफ्लाई पार्क, दीदी को तो पता भी है मुझे पता नहीं। और दीदी यार देखो कितनी स्मार्ट सी बन के आई है। हम लोग देखो ऐसे घूमने आए हैं और मैं तनिष्क को बोली चल घूमने चले, कह रहे नहीं आप ही जाओ ऐसे ही कोई जगह होगी। मैं कह रही बहुत अच्छी है, हाँ मैं जाके उसको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी जगह है। उसको लगा मम्मी जा रही है तो वहाँ कोई बूढ़े बूढ़े लोग आते होंगे, सारे वही यंग जनरेशन है सारी की सारी, समझो कॉलेज वाले बच्चे हैं सब, काफ़ी सारे तो उधर आए हुए हैं। अरे बहुत अच्छा पार्क है, पता ही नहीं था दिल्ली में इतनी अच्छी अच्छी जगह है। ये दवाई है कोई मेडिसिनल प्लांट है सर? अच्छा मेडिसिनल प्लांट। तो हम बारिश का मौसम ठीक है, ये थोड़ा ठंडा है तो शिमला वाली फील ले लेते हैं। हाँ ये इनको खाना दिया है बंदरों को, देखो खीरा और क्या क्या पड़ा है, शेव भी खा रहा है। चार चार जानवर हो गए, गाय हो गई, बंदर हो गया, सुअर हो गया, मोर हो गया। ये बंदर किधर है? मोर पीछे था इसके। बंदर ऊपर से खाते हैं फिर वो नीचे इनके लिए गाय को डालते हैं, जो खा के ऐसे फेंकते ना, तो तुम भी खा लो, इसलिए गाय यहाँ खड़ी रहती है चारों तरफ। ये तो मस्त भोजन कर रहे हैं। हाँ ये तो बड़े आराम से खा रहे हैं बैठ के, करोड़ों का बजट छूटता बेटा इनके लिए। खीरे देव कितने आराम से खा रहे हैं बैठ बैठ के, और वो सेब खा रहे हैं। ये और इनका हरियाणा के बंदरों की लड़ाई होती है यहाँ पे। अच्छा तो ये भी हमारे आदमियों की तरह करते हैं। ओ हाय मोर। चल भैया हो गया, हो गया हाँ ये पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं देखो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और लगे हुए। तो ये भी हमारी तरह ही फील करते हैं क्या सारी चीजें? और क्या मतलब हम सोचते हैं वैसे ही सोचते होंगे। और क्या देखो खा पी के सो रहे हैं बराबर। मैं तो सही हाँ ये रेस्ट हमारे, और उस बच्चे को देखो कैसे चिपका के रखा हुआ है। बड़े पहलवान से बंदर नहीं है दीदी, है ना छोटे छोटे। चलो भाई पर इनमें बड़ा कोई सही नहीं है जो हम उधर देखते हैं। ये देखो सब एक ही एक से, सब एक मरे मरे से कमजोर कमजोर। खीरे खाने से पतले होते हैं इसलिए ये पतले हो गए। हमें भी तो कहते हैं सलाद खाओ पतले हो जाओगे। हाँ तो अब हम नीली झील देखने जा रहे हैं। ये पत्थर भी देखो चिकने हो गए इधर पड़े पड़े, तो शेर नहीं दिखा अभी, आ जाए शेर तो मैं तो देखूं भी ना, डर के मारे चुप ही जाऊं गाड़ी में भी चुप जाऊं नीचे। ये आ गए हम नीली झील पे, नीचे तो नहीं फिसल जाएगा ना ये? नहीं 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 रास्ता हो तो भी नहीं जाना भगवान जी गिर जाऊंगी मैं तो मर ही जाऊंगी। हजार फीट गहरी, गहरी तो बहुत होती है, हजार फीट सच में नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा है थोड़ा ज्यादा। कोई नहीं हमें कौन सा जाना है। नहीं 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 बस बस यहां से। अरे नहीं भाई नहीं नहीं आप आ गए हो और बहुत ही गहरी है। ये लोग कह रहे हैं कि हजार फीट गहरी है और यहाँ से गिरने के बाद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी है ना ये तो बहुत ज्यादा ताकत होती है इसमें, बहुत ज्यादा। ये तो इसके ऊपर चढ़ती है चल।
कर लो भैया, हमने झील देख लिया, अब वापस 17 किलोमीटर चलो। ये सारे पौधे लगाए हुए हैं, ये सारे जो अरावली माउंटेन के जो मिलते हैं ना नेटिव प्लांट, वो सारे यहाँ पे अरावली पे। देखिए आप अरावली के वाले एरिया में जाओगे तो ये प्लांट आपको मिलेंगे। ये कमल के फूल है, इस चढ़ में खिलते हैं, बताओ कमल के फूल। बटरफ्लाई पार्क, हाँ, नीली झील, हाँ, अरावली पार्क, हाँ, और हमने लंच कर लिया, बहुत ही अच्छा लंच कर लिया, बहुत अच्छा लंच किया। और जहाँ से लंच आया हमने कहा उसकी कोई ब्रांच है, उन्होंने कहा कि नो। सोचो आप, बहुत अच्छा था। हाँ, अभी हम हमारा मिशन असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कम्प्लीट कटे गए वो निंगेल ने। हाँ ये डियर एक दो तो खींच लेती। ये पूरी नर्सरी, और इस नर्सरी में सारे वो पौधे हैं जो मतलब जंगली पौधे नहीं होते हैं जो पहाड़ियों पे अरावली पे लगते हैं, जैसे ये झाड़ी है छोटे वाले बेर लगते हैं उसके, मुझे तो नाम भी नहीं आते, कुछ 7-8 तरह के पौधे मैंने लिए भी हैं। पर नॉर्मल ने नर्सरी होती है उसमें दूसरे पौधे होते हैं, यहाँ पे वो जंगली वाले पौधे और मेडिसिन वाले पौधे हैं, तो मैंने भी लिए हैं कुछ। अपन तो कौन खांगा ने फिर ठीक है। बस एक बार हम वैसे ही घूम लेते हैं, वहां पे बैठ जाएंगे। अब चिंता की कोई बात नहीं।